गाइस अभी ऑन बोर्ड हो गए हैं और अभी जा रहे हैं वॉच पे, और ज्वाइन कर लिया था मैंने, एक महीना हो गया और आज टाइम मिला है वीडियो बनाने का। तो अभी शहर में चलते हैं और दिखाता हूँ क्या सीन है। चलो ठीक है, अभी ना देख सकते हो पड़ा हुआ सब ऐसे, तो बाकी चलते हैं फिर दिखाता हूँ। करना रहेगा मैंने।
फिजिकल लॉकर रूम है आपका, ये टेक का आइटम है रूम वगैरह।
टेम्परेचर यहाँ पे दिखाता है, यहाँ आपका OWS है, ऑयली वाटर सेपरेटर, और ये आपका दो ल्यूब ऑयल पंप है, नंबर वन नंबर टू, और आपका ये मिल्स पंप है, क्योंकि यहाँ पे आपका मिल्स होल्डिंग टैंक है, और बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी तो सब देखा ही आपने। साइड के एरिया पे आ जाओ तो ये सातों साइड का एरिया है, ये ल्यूब ऑयल फीड पंप है, तो प्यूरीफायर, ये एयर कूलर क्लीनर है पंप है। तो चलो चलते हैं अभी ऊपर ECR में, बाकी अभी जहाज खड़ा है सेलिंग टाइम पे बाकी को बताता हूँ। हाँ तो गाइस अभी हम लोग ECR में हैं, और ECR यहाँ का देख सकते हो, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, ये आपके पैनल्स हैं सारे पंप्स के, जो जो रन हो रहा है वो शो करता है, बाकी सारे पैनल्स हैं जितने भी पंप्स हैं, और ये सारा एरिया पैनल्स हैं, जनरेटर का है, और सारे जनरेटर्स का है यहाँ पे, 440-220 का पैनल है, और ये भी पैनल्स हैं सारे पंप्स के, ये नंबर टू के हैं सबके, दो दो पंप्स हैं, तो दोनों साइड भी हैं एक एक करके, ये आपके जनरेटर का पैनल है, और ये पूरा एरिया है ECR का, ये आपका कंप्यूटर है जो भी शो करता है, मेन इंजन जनरेटर जितने पंप्स हैं, रनिंग मशीनरी, ये अलार्म पैनल्स हैं, ये मेन इंजन का, और ये आपके टेलीफोन्स हैं, ये आपके पैनल्स हैं, एयर प्रेशर है, स्टार्टिंग एयर प्रेशर सब यहाँ शो करता है, स्कैवेंजिंग का मेन है, फ्यूल ऑयल इसको कंट्रोल एयर प्रेशर देख सकते हो, जो कि बाकी शिप्स में रहता है ऑलमोस्ट, ये बॉयलर्स का एरिया है, और ये मेन कंप्यूटर है जो कि यूज़ होता है, ये आपका AC है, ये आपका IT सिस्टम का पैनल है, ये ऑयल मिल्स रिएक्टर का पैनल, ये IT का है, बस इतना ही है, छोटा सा है और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, और ये इतना बड़ा ECR है, ECR काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, पिछले शिप में ज़्यादा स्पेस नहीं था, यहाँ पे स्पेस है, ये आपके सारे मैनुअल्स हैं, साइड मैनुअल्स रखे हुए हैं, जो कि आपके मैनुअल्स हैं जितने भी पंप्स, जितने भी चीज़ें हैं जनरेटर्स के, बॉयलर्स के, एवरीथिंग, ये आपका ओवन है, ये खाने पीने का एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ऑलमोस्ट यही सब है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये आपका ECR है, फ़ोन आ गया। ओके अभी मिंच पावर ऑफ करने के लिए आया था, तो अभी जा रहे हैं ऑफ करने, बैक साइड पैनल के, उसे खुला हुआ है, गाइस यही था ECR, बाकी जब और चीज़ें होंगी वो दिखाऊंगा, अभी के लिए बस इतना ही है, और ज्वाइन मैंने कर लिया था सिर्फ एक महीना पहले, और यहाँ से लोडिंग हो चुकी है, डिस्चार्जिंग हो चुकी है, तो अभी हम लोग चाइना में हैं, चाइना लॉन्ग काउ पोर्ट है, लॉन्ग वाउ,
वहाँ पे अभी कल शेडिंग है, तो उसके बाद अभी लोडिंग के लिए कहाँ जाता है पता नहीं। तो यही था अभी के लिए, और बाकी जो होगा मैं बताऊँगा आगे। वीडियोस थोड़ी थोड़ी करके डालूँगा, अभी टाइम नहीं है, मिलता भी नहीं है टाइम बना लेंगे। तो बाकी सब सही है, ऐसा होगा आगे का दिखाता हूँ। चलो फिर, तो गाइस 11:20 राइट नाउ, और हर 4 घंटे पे लॉग बुक लिखनी रहती है। अभी लॉग बुक लिख देते हैं, उसके बाद फिर ड्यूटी का टाइम ओवर होने वाला है। तो ठीक है, तो वाइस वॉच ख़त्म हो गई है और वॉच से आ गए हैं, और 12 o'clock वॉच ख़त्म होती है। और अभी चलते हैं बाहर, बाहर का दिखाता हूँ बाहर का क्या सीन है। तो गाइस ये लास्ट था वीडियो का, इसके बाद हम कोरिया आ गए थे लोडिंग करने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग कोरिया में हैं, और कोरिया के बाद हमने यहाँ से लोडिंग की, जो कि रशिया का कार्गो था, रशियन शिप आया था। तो वहाँ से हमने उनके साथ एसटीएस किया, लोड किया, फिर उसके बाद हम सिंगापुर के लिए निकल जाते हैं सेल के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही है।